मानवता ही ईश्वर की पूजा है। हर व्यक्ति को अपने कार्य के साथ समाज सेवा और लोगों की सहायता करनी चाहिए। इसी उद्देश्य से वी केयर फॉर ह्यूमैनिटी श्रेय फाउंडेशन वो संत निरंकारी मिशन के संयुक्त तत्वाधान में ग्लोबल ऑर्डर ऑफ डिग्नेटरीज एंड फिलेंथ्रोपिस्ट पर सेमिनार वो अवार्ड का आयोजन पहली बार भारत में किया गया। उक्त बातें श्रेय फाउंडेशन के चेयरमैन H.P. कनोड़िया ने कहा। उन्होंने बताया कि 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में विश्व के कई देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। श्री फाउंडेशन संत निराकरी एंड वी केयर ह्यूमैनिटी, हम तीनों ने मिल के यह प्रोग्राम किया है मानवता के लिए। मानवता हमारे जीवन के लिए कितनी जरूरी है, कितना आनंद देती है। अब सेवा भाव में हम लगे रहें तो हमें बहुत आनंद आएगा। साथ में प्रत्येक व्यक्ति को मेहनत से, ईमानदारी से काम करते रहना चाहिए, अपने अपने काम में लगे रहें। यह GOD अवार्ड है, यह वी केयर ह्यूमैनिटी ने लॉन्च किया है। यह पूरे फर्स्ट टाइम एशिया में ये हो रहा है, वह भी भाग से कलकत्ता में हो रहा है। तो इसमें जो लोग मानवता की सेवा में लगे हुए हैं पूरे संसार में, उनको यह अवार्ड दिया जाता है। शनिवार को राजरहाट न्यू टाउन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य रूप से वी केयर फॉर ह्यूमैनिटीज की फाउंडर प्रिंसेस मारिया ओमोर, रिपब्लिक ऑफ कोसोवो के पहले प्रेसिडेंट फतमीर सेजदियू, लोकसभा के सांसद उदित राज, संत निरंकारी मिशन के सचिव C.L. गुलाटी सहित अन्य अतिथिगण भी मौजूद थे। प्रिंसेस मारिया ने भी कार्यक्रम को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। वाओ, दिस इज अमेजिंग एंड टू हैव द संत निरंकारी पार्टिसिपेशन इन दिस अवार्ड्स इन दिस सेशन इज अ ग्रेट थिंग। It made a huge impact seeing all the humanitarian works that they're doing, and I've seen myself there too, which is really nice. It touches my heart. Just watching Mataji speak, you know, that really moves me, and all the humanitarian works. And of course, Secretary Reverend Gulatiji made a very, very nice speech about the whole thing, about the emphasis on spirituality and humanitarianism. So I thank you for that. साथ सांसद उदित राज ने भारत में जातिवाद और महिला पुरुष के भेदभाव जैसी सामाजिक कुरीतियों पर अपने वक्तव्य रखे। कि इतना बड़ी पॉपुलेशन इंडिया की है, 125 बिलियन है, 700 बिलियन में यूरोप और अमेरिका की पॉपुलेशन से ज़्यादा इंडिया की पॉपुलेशन है। और इस देश की जो पावर्टी है, चाहे डिस्क्रिमिनेशन है, गरीबी है, और महिलाओं के साथ में जो भेदभाव है, या जाति के आधार पर जो भेदभाव है लोअर कास्ट के साथ, ये ह्यूमैनिटी का बहुत बड़ा कंसर्न और कॉज होना चाहिए। हम लोग दुनिया के ह्यूमैनिटी की बात करते हैं लेकिन अपने यहाँ की बात नहीं करते। आज ह्यूमैनिटी के ऊपर वी केयर फॉर ह्यूमैनिटी, ग्लोबल ऑर्डर ऑफ डिग्निटीज, इसी फील्ड का 2 दिन का कॉन्क्लेव है। ऐसे मौके पर जो हमारी मुख्य समस्याएं, जो कास्ट बेस्ड समस्याएं हैं, उसको हमें हाईलाइट करना चाहिए, कहना चाहिए। आरक्षण की वजह से मैं आज खड़ा हूँ, आज किसी से कम नहीं हूँ, लेकिन शुरू में कम था, शुरू में कुछ भी नहीं था, इसलिए कि शिक्षा नहीं थी। समस्या यहाँ पर इतने दिनों तक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही है, आरक्षण को फुलफिल करना चाहिए था, नहीं किया, और ममता जी की सरकार में भी नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर दलित आंदोलन कमजोर है, दलितों में यूनिटी नहीं। संत निरंकारी मिशन के सचिव C.L. गुलाटी ने कहा कि सभी समस्याओं का हल अध्यात्म में ही है। कोई भी समस्या हो, क्या वो सामाजिक है, आर्थिक है, या कोई जेंडर इक्वालिटी का उसमें आता है, सभी समस्याओं का हल वन वे और दी अदर, सबसे ज़्यादा सोल्यूशन स्पिरिचुअल वे में होता है। कितने भी साधन अपनाए जाएं, कितने मतलब हो भी रहे हैं, पर कभी कामयाब नहीं हुई, जीवन में भी इतनी चीज़ें हो रही हैं, कितने सालों से लगे हुए हैं, बट दे स्टिल कंटिन्यू टू फेस दी प्रॉब्लम्स। संत निरंकारी मिशन थ्रू ईश्वर की जानकारी के साथ
प्यार दया करुण स्थापित कर रहा है, जिसके समाज में बहुत ही सहज अवस्था में जीवन जीने की कला और एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने का जो एहसास है वो पैदा होता है। रॉयल अप कंबोडिया शोमो सिसवर्थ ने अपनी सुरीली आवाज से दर्शकों का मन मोह लिया।